इसी बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। लखनऊ से अहम खबर, पुलिस भर्ती नई तारीखों का ऐलान हुआ है। तो 23, 24 और 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी और 60 और 244 पदों पर यह लिखित परीक्षा होगी। तो एक लंबे अरसे से इंतजार इस वैकेंसी का किया जा रहा था, फिलहाल डेट निर्धारित हो चुकी है। रोजाना दो पालियों में परीक्षाएं होंगी, जो तिथि नियत की गई है और इसी तिथि पर एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि परीक्षा में मौजूदगी होगी और फ्री बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी इस दौरान। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, पुलिस भर्ती नई तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तारीखों में अब दो पालियों में ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को ये परीक्षाएं होंगी। 60 और 244 पदों पर लिखित परीक्षा देनी होगी। सीएम द्वारा निरस्त की गई परीक्षा को एक बार फिर से कराए जाने की तैयारी, रोजाना दो पालियों में ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और एक पाली में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो राज्य सड़क परिवहन निगम अब फ्री बस सेवा भी इस दौरान उपलब्ध कराएगा। शिवा शर्मा से खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो एक लंबे अरसे से इंतजार भी था इन तारीखों का और अब इन तारीखों का ऐलान हो चुका है, दो पालियों में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। बिल्कुल सोनी, 60,244 पद है उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती को लेकर के, और जो आज से तकरीबन 6.5 महीने जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लीक हो गई थी और इसमें तकरीबन न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि अलग अलग प्रांतों से 45 लाख अभ्यर्थी इस पुलिस परीक्षा को देने के लिए आए थे। और इस परीक्षा के असफल होने के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन आज पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से इस परीक्षा की तारीखों का फिर से ऐलान कर दिया गया है और 23, 24, 25, 30 और 31 ये ऐसी 5 तारीखें हैं जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दो पालियों में जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी और एक पाली में तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, ये भर्ती बोर्ड की तरफ से कहा गया है। बड़ा ऐलान है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो बड़ा ऐलान, और ये भी कहा जा सकता है जिस तरीके से परीक्षाओं को निरस्त किया गया उसके बाद उस एक तरीके से उसमें सुधार करने की भी एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मसला रहा है। देखिए बिल्कुल, इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि जिस तरीके से पिछली बार परीक्षा लीक हुई अब इस बार किसी भी तरीके की ढिलाई ना बरती जाए, जो तमाम पुलिस अफसर हैं जो सेंटर्स पे जो ड्यूटी लोगों के लगाई जाएगी वो पूरी तरीके से सक्रिय और सुरक्षित हो और ऐसा घेरा बनाया जाए कि किसी भी तरीके से किसी भी अभ्यर्थी को कोई असुविधा ना हो। खास बात ये भी है कि इस बार जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो परीक्षा में शामिल होने के लिए आएंगे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की ओर से उनके लिए जो सर्विसेज हैं बसों की वो पूरी तरीके से फ्री कर दी गई। अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह से किसी भी जिले से किसी अन्य जिलों तक उनके अपने परीक्षा केंद्र जाना होगा तो उनको बस अपना एक पुलिस भर्ती का जो एक आई कार्ड है उनको दिखा करके वो पूरी जो बस सेवा है उसका फ्री में लाभ मिलेगा, यानी कि उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये सरकार की तरफ से किया गया है लेकिन हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी तरफ से अपनाने को मुख्यमंत्री ने कहे तो उसको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से जारी करेगा। जिस तरीके से गड़बड़ियां देखने को मिली पिछले परीक्षाओं में भी और परीक्षाएं निरस्त भी हुई, पेपर लीक के मामले सामने आए, हो हल्ला हुआ और इसके बाद एक कड़ा कानून भी बनाया गया नकल को लेकर, जुर्माना भी अच्छा खासा लगाया गया 1 करोड़ का, तो क्या लगता है इस बार जो है परीक्षाएं पूरी तरीके से सुरक्षा दृष्टिकोण में रहेंगी, संपन्न कराई जा सकेंगी और ये इसमें सफलता मिलेगी? जरूर, मुख्यमंत्री की शक्ति का असर है कि पिछली बार जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उसमें कितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तारियां हुई, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, उन सभी को जेल भेजा गया, तो इस बार जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं उनको सभी पुलिस अफसरों को उसका प्रोटोकॉल को जो पूरा कराने का जो दायित्व है वो दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री खुद संजीदा है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में पुलिसिंग के ऊपर फोकस करना उनका बहुत ज्यादा
एक अहम रोल माना जा रहा है और उसी को पूरा करने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो इस बार एसटीएफ है, यूपी पुलिस के अलग अलग जो अधिकारी हैं, जब इस बार 5 दिनों में जो अलग अलग पालियों में जो परीक्षाएं होंगी उनको किस तरीके से सुरक्षित इन परीक्षाओं को, लिखित परीक्षाओं को पूरा कराना है, ये पुलिस अधिकारियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और हमें यकीन है कि इस बार की जो परीक्षाएं होंगी उसमें किसी भी तरीके की कोई सेंधमारी नहीं होगी, इसमें किसी तरीके का बिल्कुल शिवा काफी चुनौतीपूर्ण भी होगा कि किस तरीके से पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं संपन्न कराई जा सके। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और नकल देखा जाए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, इससे ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती को लेकर या युवाओं के भविष्य को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं और इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। उचित व्यवस्थाओं के साथ इन तारीखों का ऐलान किया गया है।